आज हम लोग जानेंगे प्रायिकता के मूलभूत सिद्धांत को। प्रायिकता क्या होता है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत होते हैं और इस पे आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उन सभी का सलूशन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें सारा सलूशन मिला है प्रायिकता को। और प्रायिकता को आप समझ लेते हैं तो मैट्रिक में समझिए 4, 5 से 6 नंबर आपका हो गया, और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि 10 नंबर तक का भी क्वेश्चन इससे आया है। तो मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना है फिर भी 10-10 नंबर तक उठा लेता है बच्चा इसमें, और डबल डबल जब तक ऑप्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला में समझिए 10 नंबर आपका हाथ में रहेगा। अगर 60 में से 50 बनाना रहेगा ऑब्जेक्टिव, ऐसा अगर ऑप्शन आ गया तो यो कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो प्रायिकता बहुत ही कम दिमाग लगाए हुए अच्छा नंबर दे देता है, तो बहुत ही आसान चैप्टर माना जाता है इसको। परंतु इसको समझिए लाइन बाय लाइन। पहले ये समझिए कि प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता क्या है, प्रायिकता को अंग्रेजी में कहते हैं पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। ये प्रायिकता जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चांस या संभावना, संभावना, संभावना मतलब किसी काम के होने का चांस क्या है। चांस क्या बोलते हैं हम लोग, चांस कितना परसेंट चांस हो कि वो आता हो, कितना परसेंट चांस है बारिश होने का, कितना परसेंट चांस है कि ये काम होगा, कितना परसेंट चांस है कि विद्यार्थी आज स्कूल खुला होगा। ये चांस जो होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं देहात की भाषा में बोलते हैं कितना परसेंट चांस है, कितना उम्मीद करते हैं, क्या तुम्हारा सोच है, क्या तुमको लगता है, ऐसे बोलते हैं ना, उसी चीज़ को गणित में बोलते हैं क्या, प्रायिकता। प्रायिकता जो है ये शब्द का मतलब ही होता है कि भाई कितना उसकी संभावना है किसी घटना के घटित होने की, इसमें घटित होने किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को पढ़ते हैं। तो प्रायिकता की परिभाषा बनेगा तो क्या बनेगा, तो गणित की एक शाखा है। प्रायिकता क्या है, प्रायिकता का अगर परिभाषा बनाए तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता क्या है, तो गणित की एक शाखा है, गणित की एक शाखा है, क्योंकि गणित में ही पढ़ना है तो गणित की एक शाखा है। और इस शाखा में क्या पढ़ना है भाई, तो इसमें पढ़ना है किसी घटना के घटित होने की संभावना का अध्ययन, किसी घटना, कोई घटना घटित होती है, किसी घटना के घटित होने की संभावना, की संभावना का अध्ययन करते हैं, का गणित की शाखा जिसमें, यहां आपको मान लीजिए हम गणित की शाखा जिसमें किसी घटना के घटित, इसमें नहीं लिखे हैं, गणित की एक शाखा है जिसमें किसी घटना के घटित होने की संभावना का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, आप बना सकते किया जाता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना दो बातें कि गणित की एक प्रायिकता क्या है, तो गणित की एक शाखा है, गणित एक पेड़ है तो उसका एक ब्रांच है, उसमें क्या पढ़ते हैं, तो किसी घटना का घटित होने की संभावना का पढ़ते हैं हम लोग, कोई घटना कितना घटित होगा। अभी घटना क्या होती है, जैसे एक लीडो का छक्का है, इस लीडो के छक्का पे 6 अंक होते हैं, इस लीडो के छक्का को हम उछालेंगे तो क्या चांस है कि 2 आएगा, क्या चांस आएगा कि 5 आएगा, वो चांस तो होगा ना, कितना परसेंट चांस है कि 3 आएगा, क्या चांसेस है उसका, पॉसिबिलिटी क्या है, तो उसी की घटना का घटित, जैसे वो सिक्का उछाले तो सिक्का को उछालेंगे तो क्या चांस है कि हेड आएगा और क्या चांस है कि टेल आएगा। 52 पत्ती के ताश का गड्ढी है, ताश का गड्ढी में 52 पत्ती होता है, उस 52 पत्ती में कौन, क्या चांस है कि इक्का आएगा, क्या चांस है कि गुलाम आएगा, क्या चांस है कि बेगम आएगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई संख्याओं का एक डाइस है, बहुत सारा कार्ड है, वो कार्ड है, वो कार्ड पर 50 तक लिखा है, 1 से लेकर 50 तक लिखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, उसमें से एक हम निकालेंगे कार्ड तो क्या चांस है कि उसमें 5 आएगा, क्या चांस है कि सम संख्या आएगा। मान लो एक झोला में कुछ लाल गेंद है, कुछ पीला गेंद है, कुछ नीला गेंद है, क्या चांस है कि नीला गेंद निकाले निकलेगा, ऐसे निकाले एगो गेंद और नीला गेंद निकलेगा। इन्हीं चीज़ों को हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रायिकता क्या है, क्या पढ़ेंगे, समझ में आ गया। अब इसमें जानिए क्या होता है, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला जानने से पहले आप ये समझिए कि क्या संभावित मान होते हैं और क्या उसका अनुकूल मान होते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ना है अनुकूल परिणामों की संख्या और क्या पढ़ना है आपको, संभव परिणामों की संख्या। इसको समझिए, अनुकूल परिणामों की संख्या इसको पहले समझिए, अनुकूल क्या होता है, अनुकूल
अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। देखो तो ध्यान से समझिए क्या है ये अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, और दूसरा क्या है संभव, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। ये क्या होता है भाई, इसको समझ गया है तो परीक्षा समझ गया, पूरा क्वेश्चन आपके हाथों में रहेगा, पूरा बन जाएगा आपसे। परिणामों की संख्या ये क्या है, जैसे एक लीडो के छक्का को जब उछालते हैं तो कितना संभव परिणाम आ सकते हैं, एक लीडो के छक्का को, अगर हम एक लीडो के छक्का पे कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ना होता है, तो एक लीडो के छक्का को हम ऐसे फेंकेंगे तो कितना चीज़ आ सकता है, कै गो परिणाम आ सकता है, या तो एक आएगा, नहीं तो दो आएगा, नहीं तो तीन आएगा, नहीं तो चार आएगा, नहीं तो पाँच, नहीं तो छः आएगा, कै गो परिणाम हो गया, सभी संभव परिणाम कितने हो गए, 6। तो सभी संभव परिणाम को आप समझिए मतलब कुल कितना आ सकता है ना, कुल कितना आ सकता है, तो किस इसको कहते हैं एनएस, क्या कहते हैं शॉर्ट में, क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में कहते हैं आई से एन और ब्रैकेट में लिखते एस, क्या लिखते हैं एनएस, क्या लिखते हैं एनएस, मतलब कुल सभी संभव परिणामों की संख्या को शॉर्ट में क्या लिखते हैं एनएस, एनएस कितना हुआ इसमें 6, क्योंकि लीडो का छक्का में 6 तक रहता है तो 6 तक ना आएगा, 7 तो नहीं आएगा, 0 तो नहीं आएगा, आएगा तो 1 से 6 के बीच में आएगा, 1 से 1 आएगा ना तो 6 आएगा ना 6 के बीच में आएगा, 6 हुआ। अब आपसे पूछेंगे कि इसमें कै गो 5 आएगा, 5 आने की संभावना क्या है, तो एक लीडो के छक्का में कै गो 5 होता है, एक ही को 5 होता है, तो 5 आने की संभावना, 5 कितना हो गया, तो कुल परिणामों के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया 1, इसको बोलते हैं एन ई, क्या बोलते हैं एन ई, लीडो के छक्का वाला केस में एनी वन आया है, एनएस कितना 6 आया, ठीक समझ में आ गया, मतलब कि क्या, जैसे कि आपको मान लेते एक और एग्जांपल देते हैं, एक सिक्का को छाले, सिक्का को छालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, पूरा चांस क्या आया, तो हेड आएगा नहीं तो क्या वो पूरा कुल सभी संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया, या इसको कह सकते हैं सभी ने क्या कह सकते हैं कुल, क्या कह सकते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया 2, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। हम कहें कोई आदमी कहें कि बताओ हम सिक्का उछाले हेड आने की संभावना क्या है, तो एक सिक्का में क्या वो हेड होता है, एक एक हेड होता है, हेड एक एक होता है, एक समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक थैला है, थैला में क्या है कुछ लाल गेंद है, आप गिनिए कै गो गेंद है लाल, कुछ पीला गेंद है, कुछ हरा गेंद है, समझ में आ गया, कितना लाल है कितना पीला है समझ में आ रहा है, अब देख रहे हैं कि लाल कितना है, लाल गेंद कै गो है, पीला गेंद कितना है, स्कूल नहीं इसको समझ गया ना, क्वेश्चन ऐसा बस यूं बनेगा आपका, इसको नहीं समझे बस क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ में आएगा। और हरा गेंद कितना है 5, टोटल मिला के क्या गेंद हुआ 9, 3, 12, पूरा 12 को गेंद है इसमें, कुल गेंद कितना है, कुल गेंद हो गया इसमें 12। अब आपको बताना है कि भैया ये में एनएस और एनएस कितना है, एनए कितना है, तो एक चीज़ तो फिक्स है गेंद का वो है, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया, ये फिक्स हो गया, इसमें आप दिमाग नहीं लगाइए। अब आपसे पूछे कि हम ये झोला में जो गेंद रखा हुआ है, टाकना इधर है, और तुमको अंदाज से में से को बॉल निकालना है, क्या चांस है कि लाल आएगा, तो लाल, तो अब देखिए लाल कै गो है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, आ गया समय में, आया कि नहीं आया, चलिए अब यह मिटा दिया। अब कह रहा है कि पीला आने की संभावना क्या है, तो ये क्या आ जाएगा, पीला कै गो है 3 गो है, तो 3 हो गया, आ एनएस वही रहेगा, एनएस एनएस 12 के 12 ही रहेगा, अच्छा फिर मिटा दिए। अब कहेंगे हरा आने की संभावना क्या है, हरा कै गो है 5 गो, तो भैया ये 5 गो हो गया, और ये 12 के 12 ही रहेगा, मतलब
कुल परिणाम जो है कुल संभव परिणाम फिक्स है, कितना 12 है तो 12 ही रहेगा, 12 हो गया नहीं 12 ही रहेगा, मगर अनुकूल परिणामों की संख्या बदल रहा है, लाल के लिए 4, पीला के लिए 3 और हरा के लिए 5 हो जा रहा है। तो बस आप इतना समझ गए तो आप समझ में आएगा कि अनुकूल परिणाम क्या होता है और संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या होता है, आप समझ में आ रहा है। इस तरह से आप इतना समझ गए तो आप एक चीज़ और समझ लीजिए, प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला जानिए। प्रायिकता जो होता है ना, प्रायिकता निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यहाँ पे रचना किया गया है, बनाया गया है फॉर्मूला। वो क्या है, एनसीईआरटी में एकदम स्पष्ट समझा है, ई के अनुकूल घटना को माना है ई, घटना को ई क्यों माना है भैया, ई माने इवेंट, इवेंट माने घटना, ई माने इवेंट, इवेंट माने घटना, समझ रहे ना, घटना को इवेंट कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं इवेंट, याद रखिए घटना को, कोई भी घटना जो घटित होता है घटना को क्या कहते हैं इवेंट, इवेंट का पैरामीटर क्या है ई, तो हम लोग कहते हैं ई, क्या ई, घटना नहीं पढ़ेंगे हम, घटना पढ़ने ठीक लगे, ई, ई माने क्या घटना, ई माने इवेंट, इवेंट माने घटना, तो जब हम कहें ई तो समझ आइएगा ई माने इवेंट, इवेंट माने घटना, बस इतना दिमाग में रखिएगा आप, इसको मिटाए क्यों उन्होंने देते। अब प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कह रहा है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई माने कथी बोलिए, ई माने कथी माने ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल, अनुकूल क्या परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, अब बटा दूसरा क्या है, प्रयोग के सभी संभव, से लिखा है सभी संभव, क्या सभी या कुल सभी संभव परिणामों की संख्या, मतलब क्या हुआ, ये क्या है घटना के घटित होने की प्रायिकता, क्या घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या निकल गया, ये निकल गया। अब इतना लंबा बोलने में ठीक नहीं लग रहा है तो इसको भी हम लोग शॉर्ट में बना दिया गया, इसको क्या कहा गया, प्रायिकता को क्या लिखो पीई, पीई क्यों लिख रहे हो, पी माने प्रायिकता यानी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का पहला लेटर क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी का पहला लेटर क्या है, पी है कि नहीं है, तो आप हम पहले बता दिए प्रोबेबिलिटी का पहला अंग्रेजी क्या है पी, तो हम बोले पी, आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया पीई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, हिंदी में क्या कहते हैं घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, हिंदी में क्या होता है घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, अंग्रेजी में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होगा, तो ए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, पर अनुकूल वाला क्या पढ़े एन ई, क्या पढ़ेंगे एन ई, सभी वाला क्या पढ़ते हैं एन एस, तो फार्मूला बहुत ही पॉपुलर फार्मूला हो गया इसका प्रायिकता का, और इसमें 90% क्वेश्चन इसी से बनेगा, क्या है याद कर लीजिए, क्या हो गया फार्मूला पीई बराबर, बोलो पीई बराबर एन ई बटे एन एस, पी बराबर एन ई बटे एन एस, बस हो गया, यही फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इतना हिंदी में लिखना है, इतना है ना, हिंदी में बहुत लंबा हो जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म बनाया है, ठीक है कुछ करें ना। अब बात करते हैं विभिन्न सारे क्वेश्चनों की, अभी वो क्वेश्चन बनाइयों को देखते हैं कि कैसे बनता है कि नहीं बनता है, इस पे बलते हैं, इसी को पहले सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि भैया लाल आने की घटना क्या होगा। चलिए अब आपको निकालना है कि बताओ लाल आने की संभावना क्या होगा, तो भैया फार्मूला क्या होता है पीई बराबर क्या होता है एन ई बटा एन एस, तब बताओ सीधा फार्मूला क्वेश्चन, लाल का लाल आने की संभावना क्या है, लाल आने की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे लाल कैगो है चार, और टोटल कैगो है, तो हो गया आंसर 4/12 बन गया, बन गया, अब इसको काटना है तो काट दीजिए, 4 × 4 = 12, 1/3 हो गया आंसर,
ये क्वेश्चन था, लाल आने के पैसा निकालो तो लाल कै गो है, टोटल कै गो भाग आ गया, बड़ा खुश हो रहा है, बहुत आसान वाला क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्या है आपको, तुमसे क्या है कि बता पीला आने की संभावना क्या है, पीला आने की प्रायिकता निकालो तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे, वही फॉर्मूला P बराबर क्या होता है एनी बटा एन, फॉर्मूला थोड़ी ना बदलता है, फॉर्मूला बदलता है क्या, एनी बटा एन। तो पीला क्या गो है, तीन गो है, पीला क्या गो है तीन गो, आ कुल क्या गो है बारह गो, तो तीन का है तीन, तीन चौका बारह, कितना आ गया एक बटा चार। क्वेश्चन अगला पूछे भैया कि ला हरा कै गो है, हरा नहीं, हरा है कै गो नहीं, हरा आने की प्रायिकता क्या होगा, तो हरा कै गो है, फिर वही फॉर्मूला P बराबर एनी बटा, बार बार वही लिखना है, क्या होगा कै गो हरा है पांच गो, आ कै गो पूरा है बारह गो, पांच बटा बारह, आया निकालने प्रायिकता, निकाल लोगे है ना, यही फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, मगर अब विभिन्न केसेस को पढ़ना तुम्हारे लिए जरूरी है। चलिए सबसे पहला हम केस पढ़ाएंगे आपको, डायरेक्टली ले चलते हैं सिक्का पे, सिक्का को आप सभी जानते हैं, सिक्का चलेगा मेरे ना नाम का, तो बोला बात नहीं है, सिक्का मेरे नाम का नहीं चलेगा, महात्मा गांधी के नाम चले दीजिए, जय हो, उन्हीं को जो मुबारक हो। अब चलिए इक्का बना दूँ मैं गुलाम को, पूरा प्रैक्टिकल वाला फॉर्मूला आ गया ना रे, सिक्का चलेगा मेरे नाम का, इक्का बना दूं मैं गुलाम का, बढ़िया बात है, चलिए तो आप देखिए इसी गाय पे तर्ज पे आप बनाते, अब इक्का पहले नहीं बनाना है, पहले इक्का बात था बाद में मैं इक्का को गुलाम बाद में बनाइएगा, पहले चलते हैं सिक्का पे, किस पे सिक्का, सिक्का में कै गो होता है पार्ट, सिक्का में दो पार्ट होता है, एक होता है हेड, एक होता है चित और पट, अब कहीं कहीं पे चित और पट लिखा रहता है, कहीं पर हेड या टेल लिखा जाता है, आप लोग जाते हैं कहीं पे देखते हैं बैटिंग उटिंग करने के लिए क्या करते हैं, टॉसिंग कराओ, हम ना करेंगे ही कहेगा हम करेंगे बैटिंग, कहेगा हम करेंगे बैटिंग, कहेगा टॉसिंग करा लो, काम करता है वो, सिक्का निकालो, बोलो हेड की टेल, हेड आ गया, बोला हेड, हेड आ गया तो तुम बैटिंग करो, आ तो बोला हेड आ गया टेल तो हम बैटिंग करेंगे, काम खत्म, ये ना होता जी, कोई झंझट नहीं है इसमें, एक रात असर शांत होता चुपचाप, ओकरा तो बोले कि चांस ना उतरा चुपचाप चल, गाँव का खेल में थोड़ा बात है, गाँव में टॉसिंगों को नहीं मानता, कह दो फिर से कराओ टॉसिंग, फिर से कराओ, जब तक हमारा बैटिंग ना तो तब तक कराओ इधर, तो ये अलग बात है, मगर टॉसिंग को बताया, इंडिया टीम में भी टॉसिंग को मनाया जाता है, इंडियन टीम हम बड़ा बड़ा मैच होता है उसमें टॉसिंग मनाया जाता है, टॉसिंग कराया भैया जो उसका आ गया वो बैटिंग करेगा, तो हेड और टेल, आपका हेड और टेल किसको कहते हैं, छोड़िए बाहर में गया, हेड और टेल, एक हेड होता है एक टेल होता है, तो हेड को हम कहेंगे एच, हेड को कहेंगे क्या एच, और टेल को कहेंगे क्या टी, हेड और टेल, हेड क्या कहेंगे टेल, तो हेड में क्या होता है और टेल में, हेड माने सिर, टेल माने पूछ, तो हेड माने क्या होता है, हेड को क्या कहेंगे शॉर्ट में एच, और टेल को क्या कहेंगे टेल, अच्छा बताइए हेड को अंग्रेज हेड को क्या कहते हैं बताइए तो जरा आप लोग, हिंदी में चित कहते हैं पट, चित ऐसे क्या कहेंगे पट, तो चित कहते हैं चित, क्या आ गया पट, चलिए ये भी याद रखें चितपट। अब बात ये समझना है कि ये हेड और टेल से हमको बनाना है क्वेश्चन, तो एक ही हेड होता है दूसरा टेल होता है, कभी कभी टॉसिंग में बीच में भी खड़ा हो जाता है, छोटा ना हेड ना आया टेल बीच में खड़ा हो गया, अब बीच में सिक्का खड़ा है तो ना ये जीता नहीं जीता, ऐसा भी हो सकता है, बट आप इसको मत ध्यान दीजिए, आप ध्यान रखिए कि ज़्यादातर केसेज में हेड या टेल आता है, अब हेड या टेल तो कितने संभावित मान होंगे टोटल दो, तो इसमें आप बात करें कि भैया एनी आपको कहें कि चित आने की संभावना निकालिए, चित आने की संभावना यानी आपको हिंदी अंग्रेजी में लिखते हैं, हेड आने की संभावना क्या होगा, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या होगा बोलिए बोलिए, फॉर्मूला वही है पी बराबर क्या, पी बराबर क्या एन ई बटा, तो तुम इसे पूछते हैं भैया हेड कै गो होता है, हेड आने की प्रायिकता निकालना है, तो ए सिक्का में कै गो हेड होता है, तो एक ऊपर और टोटल कै गो होता है, एगो हेड एगो टेल कै गो होगा दो गो, एक बड़ा डूब, एक बड़ा डूब होता है 50%, और तुम देख लो सिक्का को छालोगे तो 50% चांस होता है कि हेड आएगा, 50% चांस होता है टेल आएगा, हुआ कि नहीं हुआ,
तो उसी को कहते हैं हम लोग हाफ का मतलब करते हैं, मेरा हाफ ही होना है, 50% नहीं लिखना है। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भाई तेल आने की संभावना बताओ, तेल आने की प्रायिकता निकालिए, तो क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे भैया, पी बराबर एनी बटा एनएस, तो क्या होगा भैया, पी बराबर क्या होगा, तो भैया तेल क्या गो है, एगो, और टोटल क्या गो है, दू गो, एक बटा दू, तो हेड आने की प्रायिकता भी एक बटा दू और टेल आने की प्रायिकता भी एक बटा दो, तो ये समझ में आ गया, एक सिक्का को उछालने पड़ा केस, तो केस नंबर वन पढ़ा दिया आपको, केस वन पढ़ा दिए, सिक्का में एक सिक्का। अब चलते हैं, अब केस टू क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, केस टू, दो सिक्का क्या हुआ, दो सिक्का, दो सिक्कों का केस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब सिक्का एक वो नहीं है, क्या वो सिक्का है, दो वो सिक्का है, दो को सिक्का है, तो एगो सिक्का में हेड टेल, में क्या होगा, हेड टेल। अब दोनों सिक्का को हाथ में ऐसे रखें, ऐसे छाले, तो क्या चांस है कि हेड आएगा और क्या चांस है कि टेल आएगा, तो वहाँ पे कितने संभावित मान हो सकते हैं, दो सिक्कों को छालेंगे तो सिंपल स्पेस मतलब कितना बनेगा, सभी संभव परिणाम पर निकालो कितना कितना होगा, तो दो सिक्का को छालेंगे तो दोनों पर हो सकता है हेड आ जाए, क्या जाए दोनों पर, हेड, या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पे क्या आ जाए, टेल, ऐसा भी हो सकता है कि एगो पर हेड आए एगो पर टेल आए, पहला पर है दूसरा पर टेल, ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर टेल दूसरा पर हेड, यही ना हो सकता है, क्या और भी हो सकता है, टोटल कितने हो सकते हैं परिणाम, चार, या तो दोनों पर हेड आ जाए, या तो दोनों पर टेल आ जाए, या तो पहला पर है दूसरा पर टेल आ जाए, यानी तो पहला पर टेल दूसरा पर हेड आ जाए, इसके अलावा और कोई परिणाम हो सकता है, नहीं हो सकता, तो सिंपल स्पेस यानी एनएस कितना निकल गया इसका, चार, कुल कितना संभावित परिणाम है, चार। अब सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर एक, सवाल पूछेगा हेड आने की संभावना, क्या लिखा, हेड आने की प्रायिकता निकालना है, क्या निकालना है, प्रायिकता, बताओ क्या होगा, हेड दोनों पर हेड नहीं एक नहीं दोनों पर हेड ये लिखना पड़ेगा हमको, क्या दोनों पर हेड आने की प्रायिकता निकालो, दोनों पर हेड होना चाहिए, तो बताइए बुआ पी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होता है एनी बटा बोलते रहिए एनी बटा, एक ही फॉर्मूला है इसमें बुआ, एनी बटा एनएस, पी बराबर एनी बटा एनएस, इसको ये भी टाइम मत खाना, कि इसके लिए कल पूछा प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो ये तो बस ताक रहे हैं, पी बराबर एनी बटा एनएस, तो टोटल कितना भैया बताओ क्या निकालना है तुमको, दोनों पर हेड क्या को है, दो को नहीं, एक ही को ना केस हुआ, केस एक ही को ना हुआ, ये दोनों पर हेड आए तो एक ही को केस हुआ, तो दोनों पर हेड आने का केस क्या को है, एक, और टोटल क्या को केस है, टोटल परिणाम कितना है, चार, तो इसका आंसर हो गया चार, 25% चांस है, 1/4 का मतलब होता है क्या, 25% चांस है कि हेड आएगा, दोनों पर हेड आएगा, ठीक है, अब ध्यान देना क्वेश्चन बदल गया, दोनों पर हेड निकाले, दोनों पर टेलों निकालेगा, दोनों पर टेल आने के समय क्या होगा, 1/4, एगो पर हेड एगो पर टेल आने के समय क्या होगा, 1/4, एगो पर टेल एगो पर हेड आने के समय क्या होगा, 1/4, सबका चार हो गया, अब केस बदल दे रहे हैं, कम से कम एक पर हेड आने के संभावना, जाएंगे नहीं, कम से कम ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक पर हेड, कम से कम एक हेड आने के संभावना, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ये निकालो, अब बता कम से कम एक वो हेड होना चाहिए, कै हेड होना चाहिए हुआ, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो कम से कम एगो हेड होए के चाहिए, एगो एच होए के चाहिए, क्या एगो दू गो तीन गो, कोनो में एगो हेड होए के चाहिए, क्या हुआ, क्या ऐसा केस हुआ, कम से कम एगो हेड कोना में है, तीन गो में ना है, ए में है एगो एच एगो अहू में एच है, अभी नहीं कहा में दो गो है, अरे भैया हम कहे कम से कम मतलब कम से कम एगो रहे के चाहिए, तो क्या है भाई तीन भाई कि ना है, कहता जाएगा पी बराबर में, पी बराबर क्या जाएगा, तीन बटे आया कि नहीं आया, अच्छा प्रश्न ये भी पूछ सकता है
हेड नहीं आने की संभावना, हेड ना आए, हेड नहीं आने की प्रायिकता। बता था कोना ऐसा है जो नाम हेड एको ना है, हेड ना हो के चाहिए, एको को हेड भूल के ना हो जाए। कौन है? एक है, टेल टेल में हेड नहीं है, एको को हेड नहीं है, तो क्या हो गया? एक बटे यही में घुमा घुमा के देंगे, कम से कम दो टेल आने के सामना, नहीं कम से कम, नहीं हाँ कम से कम एक टेल आने के सामना, कम से कम एक टेल होगा चाहिए, क्या होगा? कम से कम एगो टेल, टेल का नाम है एगो, आई में एगो दो गो तीन, क्या होगा? तीन बटे दोनों टेल होने के चाहिए, बोलो क्या होगा? दोनों टेल हो, क्या होगा? एक बटे चार, टेल नहीं हो, टेल नहीं होना चाहिए, एक टेल नहीं होना चाहिए, टेल नहीं हो क्या होगा? ये तो एक में है जो टेल नहीं है, क्या होगा? एक बटे, दिमाग खुला कि नहीं खुला? इस प्रकार देखने में कितना अच्छा लग रहा था, अब थोड़ा सा जटिल लग रहा है, जटिल की बात नहीं, एकदम आसान बात है, तुमको देखना है भैया, एक एक होटल तो एक होटल देखो कोना में, कम से कम एक होटल हो जाए काम खत्म, एक हेड हो गया कम से कम एक हेड, तो देख कोना में हेड देखूंगा हूँ, जना दू भाई उबला गिनाते हैं का, तो ये बात ध्यान रखना है आपको, एकदम ध्यान से समझना है इस चीज़ को। दो सिक्कों वाला केस खत्म, अब केस आता तीन सिक्कों वाला, कितने सिक्कों वाला? तीन। तीन सिक्का कुछ हालेंगे तो क्या होगा, है ना जी? तीन सिक्का वाला, तीन सिक्का पढ़ना है, तुम्हें क्वेश्चन है कि नहीं जी? तीन सिक्का वाला तो है कि नहीं? देख लो नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ये लोग पढ़ा है इसे पहले, उनको पता होगा ना तीनों सिक्का वाला है ना, तो चार तीन सिक्का वाला, हम लोग पढ़ता पढ़े थे ट्वेल्व में, बारहवीं कक्षा में पढ़े थे, इंटर में गए थे ट्वेल्व का पढ़े थे, उस समय हम लोग में पढ़ता नहीं था हमको तो बहुत आगे तक का पढ़ाई पता है, ट्वेल्व तक का पूरा पढ़ता पता है, हो गया? तीन सिक्कों के पढ़ता है ना, तीन सिक्कों वाला कैसा है ना, चलिए तीन सिक्का में आप बताइए, दिमाग लगाइए, तीन सिक्का एक दो एक और लिखा लिख ले, तीनों सिक्का एक क्या उछलना है, क्या क्या हो सकता है, तीनों सिक्का को एक बार उछलना है तो क्या क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए, हो सकता है सब पे क्या है, क्या आ जाए? तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है ये भी, 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 हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या ना कर रहा है अजीब वाले भाई, नहीं हो सकता है सब, तीनों सिक्का है, तीनों सिक्का उछालेंगे तो तीनों पर हेड आए, तीनों पर टेल आए, दो पर हेड आए एगो पर टेल आए, एगो पर हेड आए दो पर टेल आए, दो पर टेल एगो हेड, एगो टेल दो हेड, या दो गो टेल के बीच में एगो हेड, या दो गो हेड के बीच में एगो टेल, जब हमारा है ना जी, और भी है एगो, एगो बच रहा है, क्या होता है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ गो होता है कि नौ गो होता है, आए मेरा नौ गो होता है, अब होगा तो कौन होगा बताओ, दिमाग लगा, रुकते वीडियो ना बाकी है, अभी तक क्लाइमेक्स है, पिक्चर बाकी है, देखो फिल्म अभी बाकी है, आठ हुआ क्या हुआ, टोटल सिंपल स्पेस आठ बन चुके हैं, अब क्वेश्चन आप जो पूछिए बता देंगे हम लोग, क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि कम से कम दो हेड, पहले हल्का लाने, तीनों हेड आए, तीनों हेड आने के समय क्या हुआ बोली बुरा, एक बटे एक क्या को ना आए, तीनों में हेड आने वाला, तीनों टेल आए एक बटे आठ, कम से कम दो गो हेड आए तो दो गो हेड आई में आयल है,
दू गो हेड आई में आयल है और दू गो हेड आई में आयल है। कै गो केस हुआ? कै गो हुआ? चार गो कहाँ से हो गया रे? हाँ एनू तो है, तीनों को बना दू गो हेड तो है, तो चार गो ऐसा है जो ना में दू गो हेड कम से कम है, ऐसे खोजना पड़ेगा आपको। दो हेड, दो हेड, फिर दो हेड, और यहाँ पे भी दू गो हेड, दो को कम से कम दो हेड आए तो ऐसा चार गो है। टोटल कै गो है? क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि भैया बताइए कि एक भी टेल ना हो, एको गो टेल ना हो के चाहिए उसमें, मान तीनों हेड हो के चाहिए, तो ये ना हो तो एक बटे ऐसे घुमा घुमा देगा, कहेगा कि दो गो हेड के बीच में एगो टेल हो, दो गो हेड के बीच में एगो टेल हो, क्या एगो है? दो गो हेड के बीच में एगो टेल है, तो क्या हुआ? एक बटे। सवाल यही पूछ सकता है कि दो से ज्यादा टेल ना हो, दो से ज्यादा टेल ना हो, दो से ज्यादा टेल ना हो, कौन है जिसमें दो से ज्यादा टेल नहीं है? दो से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए, दो ये वो टेल होना चाहिए, तो आई में ये तो टेल है ये ना, दो वो से ज्यादा टेल नहीं चाहिए, आई में दो से ज्यादा टेल हो ना हो तो दो वो टेल, दो वो टेल ही होगा, तो ध्यान दो, दो वो टेल आई में है चलेगा, दो वो टेल आई में है चलेगा, दो गो टेल इसमें भी चलेगा, एक बारे में दूसरा टेल ना हो तो यू जाएगा, एक और टेल वाला चाहेगा, एगो टेल तो आएगा, हम क्या बोले ये भी तो आएगा, तीन तीन बोल रहे हैं, दिमाग लगाइए जरा बड़ा वाला, दो से ज्यादा टेल ना हो तो एक गो ऐसा क्या हो जाए जहाँ दूसरा टेल नहीं हुआ, दो गो ऐसा इसमें नहीं है, इसमें एक टेल है ये नहीं है, दो से ज्यादा टेल ना हो तो यू आएगा, यो आएगा एक और टेल ना, यो आएगा तो कथी कह रहा है दूसरा टेल ना हो, तभी दूसरा टेल है तभी तो एको को नहीं है, यो होगा, खाली एकरा छोड़ के बाकी सब होगा, एकरा छोड़ के बाकी सब होगा, आपको सीने को दिखाई दे रहा था क्योंकि आप दो देख रहे थे, दो गो हेड चौना टेल करना मैंने, अरे दो गो टेल नहीं, दो से ज़्यादा टेल ना हो के चाहिए, कि थोड़ी ना कहा जीरो टेल ना हो चाहिए, जीरो रहे चाहे एक रहे चाहे दो रहे चलेगा, दो से ज़्यादा ना हो, जीरो टेल है चलेगा, जीरो टेल है चलेगा, एक होटेल है चलेगा, दो होटेल है चलेगा, तीन होटेल नहीं चलेगा, तीन होटेल इसी में नहीं हो है, एक वो तो ऐसा है जहाँ तीन होटेल है, एक छाँट के क्या को बच गया? सात, सात बटे आठ, यहीं में ऐसा कट जाएगा आपका, फंस जाइएगा कि नहीं फंस जाइएगा, प्रैक्टिस करना है कि नहीं करना है, मतलब इसी पे प्रैक्टिस करना है, अभी तो तुम करी शुरुआतें कर रहे हो, और शुरुआतें में थोड़ी कोई आदमी बैट्समैन गया छक्का मारने लगता है, पहले बहुत प्रैक्टिस करता है तब ना जाकर स्टेडियम छक्का मारता है, समझ ना, अभी तो थोड़ा नामे लिखल हो में, अब ओकरा बाद जो घरे प्रैक्टिस करबे खूब तब ना बिहान स्टेडियम में चलता एग्जाम में छक्का मार दे, अब तू अभी सोचबे कि पहले छक्का मार दो पहले बॉल पर तो केना होते, तो मुर्ता बंद कर देना चले वाला हम पंखा नाराज है, तो केस हो गया आप तुम्हारा सिक्का वाला खत्म, चलो सिक्का बना दो मैं गुलाम का, हाँ गुलाम वाला, गुलाम वाला चलते हैं ना, आप चलते हैं लीडो के, पहले लीडो के छक्का पर चलते हैं, तब पहले लीडो खेल लेते हैं तब तो ताश ताश खेलेंगे, ठीक पहले लूडो खेलते हैं, लूडो का छक्का क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडो को छक्का को लीडो को छक्का ना बोले के है, इसमें क्या बोले के है? पासा, नॉट पासा, पासा क्या बोलना है इसमें? इसमें लीडो को छक्का को गणित में क्या कहा गया है? पासा, अंग्रेजी में कहा गया डाइस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डाइस, तो पासा में कितने होते हैं भैया? एक पासा में छह से ज्यादा नहीं होते हैं, या तो उस पर एक बूंदा होगा, या तो दो का बूंदा होगा, या तो तीन का बूंदा, या तो चार का बूंदा, या तो पांच का बूंदा, या तो छह का बूंदा, छक्का याद हो गया करेगा आपको, यही ना लीडो के छक्का पे होता है जी, ये है लीडो के छक्का का पूरा नमूना। अब आपको ये कहा गया कि लीडो के छक्का को उछाला गया और क्या संभावना है कि भैया इसमें सम संख्या वाला आएगा, तो पहले हम बताइए टोटल कितना है, टोटल कितना है?
तो एनएस फिक्स हो गया, एनएस क्या हो गया बुआ फिक्स, नीचे वाला फिक्स हो गया कितना। अब क्वेश्चन बाई क्वेश्चन ऊपर का डालना है। पहला क्वेश्चन है कि सम संख्या हो, क्या हो सम हो, क्या वो सम है, एक दो नंबर सम है, एक चार नंबर सम है, एक छह नंबर सम है, तीन तीन बटा छ, कहे कि पांच आए, कहे को पांच है, एक एक बटा छ, छ पांच ना, नीचे छ रहेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया चार नौ आए, तो चार को तोप दो, बाकी क्या बच गया, तो पांच बटा छ, कहे चार से छोटी संख्या आए, तो चार से छोटी संख्या क्या है, तीन हो, क्या हो गया है, तीन बटा छ, समझ में आ रहा है, कहेगा ए हाँ नीचे छ रहेगा। हाँ सवाल कहेगा दो और छ के बीच में हो, क्या होगा दो और छ के बीच में, क्या हो दो से या छ के बीच में, क्या होगा एक दो तीन हो, तीन बटा छ। सवाल पूछेगा छ से बड़का संख्या हो, छ से बड़का कोनो है में, जीरो बटा छ, समझ रहे हैं, सात से छोटी संख्या हो, सात से छोटी संख्या क्या है में है, छ गो छ बटा छ। सवाल पूछेगा भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, इसमें घुमा घुमा के वैरायटी वैरायटी का सवाल देते हैं, तब ना बनेगा, तब ना तेज बनेगा, बोलो भाज्य संख्या हो, भाज्य घरे का चाय नाश्ता नहीं, खाना गर्मा गर्म आठ मम्मी का बना ले, अरे बन गए हुआ खा ले, थरिया मिला के खा ले, अपने का के खा ले, वो याद ना करा, कहता नहीं क्या आ जा रहा है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे करा भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन होता है, कहाँ से शुरू होता है, भाज्य संख्या शुरू होता है चार से, तो वो चार है भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है चार, और बात कौन है छ, देखिए कितना अभी हम बहुत बड़ी बात बता दिए, छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, परीक्षा में कई बार पूछा है, मैट्रिक में, मैट्रिक में कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, चार होती है, अलग लिखेगा दो होती है, चार तो क्या चार छ कब हुआ, दो बन हुआ दो बटा छ। अब कहेगा लीडो का छक्का फेंके है, अभाज्य संख्या है, भाज नहीं अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या हुआ है, अभाज्य संख्या कौन कौन होगा तो बताओ, कौन कौन अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या अभाज्य अभाज्य कौन कौन अभाज्य संख्या होगा बताओ, कौन कौन होगा बताओ, नहीं गलत, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, एक ना अभाज्य होता है ना अभाज्य होता है, बड़ी माँ मानेंगे जो बड़ी का कहा एक बैठो, सबसे छोटी भाज अभाज्य संख्या दो होता है, एक से नीचे हो भी नहीं करता, एक नहीं होता, एक न ही भाज है न ही अभाज्य है, ये भी पूछो का एग्जाम में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है दो, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तो एक वाला में नहीं लेता, एक कुछ कम से कम दो होते कट जाएंगे, तो एक तो एक से कटे, एक से कटे, तो दो और कौन होगा तीन, और कौन होगा पाँच, क्या हुआ तीन, तीन बटा बचा देगा नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि बच्चा एकदम पूर्ण रूप से परिपक्व है कि नहीं है, ये रीडो का छक्का वाला केस खत्म, रीडो छक्का वाला केस और है, जब दो छक्का को एक उछाले तो क्या होगा, क्या हो छक्का, एक छक्का का पर कै गो, अरे एक छक्का पर कै गो आ छ गो, कौन सी एक दो तीन चार पाँच और छ, और दूसरा छक्का पे कै गो, लड़का सब तो सोचबे ना करे कुछ, सोचबे तभी होता तो, ऐसा ना है वाला बउआ, हल्का है मगर हल्का के हल्का बनेला से हो, हल्का के छोड़ देवा तो वो भारी हो जाता। आई आई लीटो के छड़ा में कै गो,
आए कै गो छो ना ये पहले का लीडो के छक्का पे छो गो दूसरे का लीडो के छक्का पर छो गो एक दो तीन चार पाँच तो कै गो केस है कि आ सकता है कौन ची आ सकता है तो केसेस कौन कौन आ सकता है उसको दे रहे हम देखते हैं हम लोग कौन कौन आ सकता है पहला आएगा एक या एक दूसरा आएगा ई वाला एक या ई दो ये आएगा एक तीन ये क्या आएगा एक चार ये क्या आएगा एक पाँच इतना ध्यान से एक पाँच क्या आएगा एक छ यहाँ पर एमए का दो एमए का एक क्या आएगा दो एक फिर दो बोलते रहिए आप लोग क्या होगा हो गया इसमें क्या आएगा इसमें इसमें हो गया इसमें क्या आएगा अच्छा लग रहा है ना बोलने में अच्छा लग रहा है ना इसमें हो गया ना यही केसेस होगा है तो ये केसेस होगा अब इसमें समझना है क्या को टोटल हो गया छता एक क्या होगा ये पूरा मिला के 36 होगा क्या होगा तो एनएस कितना हो गया इसमें तो जब दो गो छक्का को जब दो पासों को उछालेंगे जब दो पासों को उछालेंगे तो याद करिए पहले कै गो केस पढ़ाए हैं एगो सिक्का दू गो सिक्का तीन गो सिक्का एगो छक्का ना ओकरा बाद कथी पढ़े हैं सिक्का पासा पे आए हैं एगो पासा दू गो पासा पाँचवा नंबर केस है केस नंबर फाइव है फाइव मैंने क्या पढ़ रहे हैं हम लोग भैया छक्का कै गो है इसमें दू गो पासा है तो एन एस क्या हो जाएगा इसका 36 कितना जाएगा याद रखना दो गो पासा फेंकते थे एनएस कितना होता है 36 और सवाल इसमें गजबे गजबे पूछता है कि दोनों को जोड़ने पर 8 आए दोनों को जोड़ने पर 8 आए तो किसको किसको जोड़ेगा तो 8 आएगा देखिए ना यहाँ पे 6 दो 5 3 4 4 3 5 6 दो देख लो सबको जोड़ने पर 8 आएगा नहीं हाय 8 पाँच की नहीं 6 दो 5 3 4 4 3 5 2 6 दोनों जोड़ने पर 8 आए तो कै गो हुआ इसन का 5 गो तो क्या होगा 5 बटे 36 आसान है कि नहीं है कहेगा दोनों को जोड़ने के बाद 7 आए देखिए सात दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 छ पहले यहां से छ से शुरू करते हैं छ से छ पाँच दो चार तीन देखिए छ एक सात पाँच दो सात चार तीन सात तीन चार सात पाँच दो दो पाँच सात छ एक छ सात है कि नहीं क्या गो हुआ इसका एक दो तीन चार पाँच छ कितना आ गया ऐसा क्या आएगा 6/36 क्या आएगा यानी 1/6 आया समझ में कि नहीं आ रहा कुछ पल्ले पड़ रहा है कि बनाने आना चाहिए बनाओगे तब ना निकालोगे तो कितना होता है नेक्स्ट अगर ये कहे कि दोनों पर समान संख्या है दोनों पर क्या नहीं हुआ एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच छ छ कै गो छ गो 6/36 है ना मैदान उसमें क्या है
क्या कि दोनों संख्याएं सम हो, दोनों संख्याएं सम हो। अब छूनो सम संख्या कौन है, दोनों संख्याएं सम होना चाहिए, दोनों संख्या क्या होना चाहिए, सम, दोनों संख्या क्या होना चाहिए, सम। चुनते हैं सम वाला, सम 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 ए में सम, सम किसमें होगा, ये वही समय वाला सम है, वही समय वाला सम, तो इसका वाला चुने ये सम, इसमें सम 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 हो गया तीन को, इसमें तेरे को भी सम आएगा तो सम भी नहीं करेगा, इसमें सम आएगा, सम 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 सिम सिम सोम सोम हो गया। तो इसमें होगा इसमें सम सम सोम सोम सिम सिम क्या होगा, तीन तीन छः तीन नौ, नौ बटा छत्तीस, एक बटा चार आया। तो कुछ भी पूछ सकता है, ये हम बता रहे हैं ना, कुछ भी मतलब बनाने आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए, तब कितना आसान काम है, कुछ करना है ही नहीं, फिर भी पता नंबर मिलता है। तो ये भी समझ में आ गया, क्या वो छक्का वाला, दो वो छक्का वाला पनीर। आप चलते हैं ताश पे, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा दोस्तवा कहिया अल्लाह करे भाई कहा रहे जिगरी दोस्त, दिन मिटा दिए तेरे इंतजार में। तास अब तू नहीं आई, नहीं आई, आ गई तास। आप कैसे करते हो, तास में कितने पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, बावन। बावन पत्तों में से चार प्रकार हैं, वो हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, मगर हमको भी कम मत समझिए, क्योंकि आप चेला हैं तो हम गुरु हैं भैया, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, किसी भी फील्ड में ज़्यादा नॉलेज है। चलिए, तो ताश के बावन पत्तों में से चार भाग हैं, पहला लाल पान, लाल पान को बोलते हैं पान, ठिकरी पाले पाले पहले 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 बांट देते हैं, गड़बड़ हो गया। बावन पत्तों को बांटते हैं दो भागों में, कितने भागों में, पहला लाल और दूसरा काला, लाल वाला 26 को, काला वाला 26 को, लाल वाला में भी दो गो भाग, लाल पान और काला वाला में भी एक दो गो बेटा, लड़कों का दो गो बेटा करिए, कबो का तीन गो बेटा, दो गो बेटा है ना। अब देखिए लाल पान में हो गया एक और, ये हो गया पान, क्या हो गया पान, इसको हम बोलते हैं लाल पान, ओकरा बाद है ठिकरी, कहते कहते हुआ ठिकरी, ठिकरी को अब ठिकरी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं ईंट, क्या बोलते हैं ईंट। आई क्या है, काला में चाहिए, काला बोलते हैं सियाह, क्या बोलते हैं सियाह को बोलते हैं हुकुम, क्या बोलते हैं हुकुम, हुकुम का गुलाम। आ ये वो करे क्या होता है, चीरी, क्या होते हैं चिड़िया को बोलते हैं चीरी, क्या बोलते हैं, तो क्या खेलने वाला भाषा बदलना है। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी माँ मानेगा नहीं आएगा तो सीख लीजिए, ये 13 गो, घर जाकर नहीं बोलिएगा ना, सारी हमारा बोली सुनना पड़ेगा, सारी ताशो सिखाते हैं। ये वहाँ पढ़ा रहे थे, गार्जियन टपक गए बीच में, आ ताश ले लेते हैं, ऐसे हम चित्र आके दिखा रहे थे, वो वीडियो अभी भी है यूट्यूब पे, ऐसे ताश के बावन पत्ते निकाले थे, गड्डी छाटे आ करते दिखा रहे, देखो ये है गार्जियन आ गए, वो गुना रहे हैं सर, क्या आप भी, आप इतना हम विश्वास करते हैं, आप इतना विश्वास करके भेजते हैं, हम समझे शिक्षक भगवान का रूप होता है, क्या कहें आपको बताइए, बच्चा को ये संस्कार दीजिएगा आप, चुपचाप सुने कहेंगे, अच्छा अगले बार सिखाएंगे,
वो बच्चा चलाया था छीने उसे, अब क्या कहे उसको, पढ़ना है पढ़ना है भैया पढ़ना है। देखिए अब जो है पान में 13 है और पान का जो सैम्बल होता है, सैम्बल समझ लीजिए, पान का सैम्बल कुछ इस प्रकार होता है। आपको हम रंग देते हैं, ये क्या है बुआ, क्या है ये, है हमारा दिल, दिल नहीं है, मेरा दिल किसी के पास है, कदी है कदी है, आई है ईट, यह जाना पहचान लग रहा है ना, जाना जाना दिवाली में तो एक ठंडा हो जाता है एकदम, अब याद आ रहा है, ये ठिकरी है, ये है हुकुम, हुकुम क्या देखा रे, काला में काला क्या देखा, काला सा काला, काला में काला क्या देखा, तो हम आए देख ले, आई देखिए दूसरा कलर लगा दे ना, न काला न कोले न कूली, आ देखिए ये आपका काला दिल, काला दिल, काला दिल, तो देख काला तेरा दिल काला, बाकी ऐसा काला, ये काला दिल, ब्लैक मनी, ये वो है चिरी, क्या है है, खुश हो गया, चीरी के नाम ये है तो खुश हो गया, ये क्या है चीरी, आप तो समझ गया, सारी जानते हैं ताश को नहीं, राइट, ऐसे ना होता रे, सही है गलत है, ठीक है ना, पूरा अनुभव मिथिला गड़बड़ है, लंबा कर दे दिल बना दे, अरे बना ले दिल तो है, आप क्या दिल बनाए, हम पूरा अनुभव है एकरा, ठीक है ठीक है, आ देखो, आ देखो, ए तो 13 को पान, 13 को ईट, 13 को हुकुम, 13 को क्या हुआ चीरी, अब ध्यान से समझो इसको, इसको समझना जरूरी है, इसमें क्या क्या होता है, सुनो ध्यान से, ए अपना बात को सबको समझाना हमको, अब पान में देखो, पान में फोटो वाला, पान में फोटो वाला क्या क्या है, देखो फोटो वाला में इसमें होता है 3 गो, क्या होता है बादशाह, क्या बसाह, शो कहते हैं बसाह, जो बोलते हैं बादशाह, क्या बादशाह, क्या होता है बेगम, बादशाह के पत्नी जो उसका नाम क्या है बेगम, आपका जो नौकर को क्या कहते हैं, ये बादशाह बेगम गुलाम जो है, ये बादशाह बेगम गुलाम जो है एगो में नहीं है, सब में आओ में है, आओ में नहीं है, हाँ सब आओ में है, आओ में नहीं है, आओ में सब में है, समझ में आया कि नहीं, बादशाह बेगम गुलाम कहती है सब में है, तो 3 को इसको बोलते हैं फेस कार्ड, क्या बोलते हैं बुआ, याद कर लोगे, फेस कार्ड क्या बोलते हैं, फेस कार्ड कहे लगे, फेस माने करके फोटो है, मुंह है, बादशाह का मुंह है, बेगम का मुंह पतला है, गुलाब का मुंह चौड़ा है ना, छोटो लेकर सबका मुंह है, क्या है तो मुंह है, तो मुंह आंख मुंह नाक कान में है, तो फेस कार्ड क्या है, और बाद नंबर दहला नहला अट्ठा सत्ता छक्का पंजा आ चौवा तिगी दूगी एका, एक से लेके 10 तक, आ यही में ना है, से ना कि यही में है, क्या है एक के भाग रहा है, व्हाट भाई सब कहाँ कहाँ घूमित रहता है सब, ये सब जो काय अलग अलग जा रहा है नहीं, चलो ये जो है इसमें भी है, ये इसमें भी है, और ये इसमें भी है, सब में है, अब तुम गिनो
कै गो पत्ता हो गया पूरा, 10 गो नंबर वाला, 3 गो फेस वाला, 13 गो, उसी प्रकार से सब में 10 गो नंबर 3 गो फेस सब में रहेगा, तो 13 का 13 26 का 52 पति से भेंट कर लिया, समझ में आ गया, सब दिमाग में सेट होना चाहिए, नहीं सेट रहेगा घंटा से फिर भेंट होता है, बड़ी माँ मानेंगे, नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें, सीखना जरूरी है। अब ये 52 पत्तों का पूरा आपको मजरा बता दिए, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को, फिर समझ लीजिए, आपको ध्यान से याद करना है, काला पीला नीला सब याद रखना, कथी कथी है, दास में कितने पत्ते हैं, 52, का लाल कितना, लाल कितना, काला कितना, लाल में 2 गो पान और नीम, पान का गो ईट का गो हुकुम का गो 13 13। अब बात आती है कि फेस कार्ड लाल पान में फेस कार्ड का गो, अब पूरा लाल रंग के फेस कार्ड का गो, लाल रंग के, लाल पान अलग है, लाल पान अलग है, पान अलग है, लाल रंग कहेंगे तो सब आ जाएगा, 3 3 3 6, काला रंग के फेस कार्ड का गो 6 गो, 3 को फेस काटिए, 3 को फेस काटिए, समझ रहे हैं ना, हम बोलेंगे लाल रंग का बेगम, लाल रंग का बेगम का गो है, लाल रंग का बेगम, एगो बेगम ई एगो बेगम ई लाल रंग का, काले रंग का गुलाम, एगो गुलाम यहाँ गुलाम, गुलाम 4 गो, बेगम, बादशाह, काले रंग का बादशाह, हुकुम का बादशाह, हुकुम का बादशाह एक गो, हुकुम का गुलाम, काले रंग का पूरा पत्ता 26 गो, काले रंग का फेस वाला ना हो कै गो, 10 10 20 गो, काले रंग का फेस का ना हो 20 गो, अभी मैं गोल गोल घुमावित रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इस प्रकार का अगर तुमको सोचने आ गया है तो एक क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा मिनटों में, नहीं सोचने आया है तो माथा परखते रहो नहीं बनेगा, समझ में आ गया ना, तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए अब क्वेश्चन ले चलते हैं, ताश वाला कोई क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, कोनो क्वेश्चन आएगा खर्चे बन जाएगा, जैसे आपको हम किताब में से बना के दिखाते हैं, चले बुआ ए 14 नंबर क्वेश्चन निकालिए, 14 क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी पेज नंबर 349 निकालिए जल्दी 349 निकाल लिया है, 14 नंबर क्वेश्चन में आओ मिलकर बनाए, पहला नंबर क्वेश्चन बोलिए, लाल रंग का बादशाह कै गो है, लाल रंग के बादशाह मैं दिखाते हैं, देखिए लाल रंग के बादशाह वही है, वही है ना, 2 गो तो याद रखना होगा, लाल रंग के बादशाह 2 गो, 2/52। दूसरा, एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता कै गो है, तस्वीर वाला पत्ता 3 का 3 3 2 6 3 3 9 3 4 कै गो, तो 12/52। नीचे क्या मारना है, 3 नंबर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के फोटो वाला तस्वीर वाला 3 गो 3 गो, देखो खट से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ना याद रहे तो बना के दिखाओ, बनेगा नहीं बना, इसलिए कह रहे हैं याद कर लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पान का गुलाम, पान का गुलाम कै गो है, पान में गुलाम एक गो है, सब एक में गुलाम रहता है, तो 1/ चलिए 5 नंबर, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम कै गो है, टोटल हुकुम कै गो, 3 गो ही या 10 गो, 13 गो हुकुम कै गो, 13 गो, तो 13 13/52। अगला कर रहा है क्या, ईट का बेगम, ईट का बेगम कै गो है, ईट वाला में बेगम कै गो है,
तो एक बटा मान गया, कोई दिक्कत? तो ये सब समझना है, एग्जाम्पल बताया है अभी, वो बता दिए हैं एग्जाम्पल, समझ में आ गया। इस तरह से बनाना सीखना पड़ेगा और उसी से बनेगा जिसको पत्ता समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो अभी देख देख ना बनाया, बाद में नहीं बनेगा। आइए अपने खोपचा में फिर दोबारा चलते हैं, फिर से आप नई दुनिया में। नई दुनिया क्या है? नई दुनिया है क्या कि एक कार्डबोर्ड है। क्या है? क्या है? कार्डबोर्ड है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। डिस्क है, डिस्क क्या है? डिस्क समझते हैं, गोल गोल डिस्क है। कती है टाइम? कितना है टाइम? ज्यादा होगा तो रिक्स है। टाइम देखो कितना है, 9 बज के कुछ नहीं ना हुआ है, 9:23 मिनट तब तक कुछ नहीं, तब रिक्स है।